हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, कल हम लोगों का लेसन नंबर 1 आगरण एवं मूल्यांकन के सिद्धांत खत्म हो चुका था और आज हमारा लेसन नंबर 2 है। ठीक है, लेसन नंबर 2 आपका अर्थिंग है, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ये पूरी तरह से अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग के उद्देश्य क्या है, अर्थिंग किन किन आवश्यकताओं के लिए लगाई जाती है। ठीक है, अर्थिंग के लाभ क्या होते हैं, अर्थिंग की हानियां क्या होती हैं। अगर आप अर्थिंग लगाते हैं और वो अर्थिंग आपकी अप्रभावी है तो उससे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अप्रभावी जो अर्थिंग होती है क्यों वो अप्रभावी हो जाती है, क्या उसके कारण होते हैं जिसके कारण जो अर्थिंग होती है आपकी वो अप्रभावी होती है। तो आज हम इतने सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें लगभग ये 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनेगा लेसन नंबर 2 का भी। आपको बता दें कि जो लड़के थे वो ज्यादातर रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 के लिए, तो लेसन नंबर 3 बस लेसन नंबर 1 खत्म ही हो चुका है। इसके बाद लेसन नंबर 2 है जो हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए या फिर कल सुबह खत्म हो जाए, तो उसके बाद लेसन नंबर 3 स्टार्ट ही हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि क्या मैं लेसन नंबर 3 स्टार्ट करूं, इससे पहले लेसन नंबर 2 खत्म कर देते हैं उसके बाद लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, तो ये थोड़ा क्रम से रहेगा तो अच्छा है। ये है कि थोड़ा आप लोगों के लिए दिक्कत होगा क्योंकि जो हार्डली जो चीजें हैं जो लड़कों के समझ में नहीं आती है वो लेसन नंबर 3 से ही स्टार्ट होती है। और अगर आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल की बात करें या फिर कोई थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल की हो, ज्यादातर बच्चों को परेशानी इसी लेसन नंबर 3 में होती है, जो आपका वायरिंग सिस्टम है इसी में ज्यादातर लड़के परेशान होते हैं। ठीक है, और वायरिंग सिस्टम पढ़ाने वाले भी ऐसे होते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं लड़कों को समझ में भी नहीं आता है, कई तरीके से मतलब लड़कों से बहुत ज्यादा सूचनाएं मिल रही है कि सर वायरिंग समझ नहीं आ रहा है। ये ऑनलाइन ही बात नहीं हो रही है बल्कि ऑफलाइन जो लड़के हैं, जो लड़के हमसे मिले हैं ऑफलाइन में भी, या मैं जहाँ पहले पढ़ाता था वहाँ भी यही सिस्टम था। लड़के कहते थे कि सर हम लोगों को वायरिंग नहीं समझ में आती थी, जबकि वो कोचिंग भी करते थे और क्लास भी करते थे, लेकिन फिर भी कहते थे सर हम लोगों को वायरिंग नहीं समझ में आती है, आप हम लोगों को वायरिंग पढ़ा दीजिए। तो मैं उन लोगों को भी वायरिंग नहीं पढ़ाया, फिलहाल मैं इधर चला आया तो वो लड़के भी इंतजार करते रह गए। तो मैं आप लोगों को वायरिंग प्रयास करूंगा कि अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वायरिंग जो है कोई भी टीचर पूरे दुनिया में तो बात नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी मैंने जितने देखे हैं तो उतने में जो वायरिंग ऐसे पढ़ाया जाता है कि लड़कों को ज्यादातर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे लेक्चर को लड़के लाइक करते हैं, तो फिलहाल अब आपको मेरी वायरिंग कैसी लगती है ये आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थिंग और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 वायरिंग। ठीक है, तो वायरिंग में भी मैं स्टार्ट करूंगा तो ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का जो बेस है, ठीक है, वो आप लोगों का बेस सारी चीजें क्या है, कमजोर है। ठीक है, जब तक आप लोगों का बेस कमजोर है तब तक आप लोगों को सही तरीके से वायरिंग नहीं आ सकती है। तो मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि पूरा बेस से बताऊं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के हिसाब से चलता हूँ तो अब कमेंट थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। कोई लड़का कह रहा है सर टावर पे वीडियो बनाइए, कोई लोग कह रहे हैं कि सर इंसुलेटर पे वीडियो बनाइए, कोई लोग कह रहे हैं सर वाइंडिंग पे वीडियो बनाइए, कोई लोग कह रहे हैं कि सर वायरिंग सिस्टम पे वीडियो बनाइए। तो अगर मैं सबके अनुसार वीडियो बनाऊँ तो जो लेसन है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, और एक क्रम से मैं वीडियो बनाता चलता हूँ तो वो शायद सही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं वीडियो क्रम से ही बनाऊं और जल्दी जल्दी बनाऊं ताकि आप लोगों के एग्जाम के समय तक जितने हार्ड चैप्टर्स हैं वो आपके लगभग मतलब कुछ लेक्चर अपलोड हो जाएं, जिससे आप लोगों को मतलब कुछ सहायता मिल जाए और आप लोग एग्जाम में पास कर जाएं। ठीक है, कम से कम इतना तो जरूर बताता हूँ कि इतना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जिससे आप लोग एग्जाम में फेल तो नहीं हो सकते, पास हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग खुद से या फिर कहीं कोचिंग करके या फिर कॉलेजों से अगर पढ़े होंगे तो आप ड्राइंग जो है मतलब अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादातर लेक्चर पढ़ जाए
और आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थिंग होती क्या है। लेसन नंबर टू अर्थिंग को हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कन। ठीक है, अर्थिंग यानी कि इसका हिंदी नाम क्या है, भू संपर्कन। ये देखिए बुक का नाम भी लिख देते हैं, नहीं तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लड़के तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड। ठीक है, ये देखिए यहां मैंने ऊपर बुक का नाम लिखा है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड। ठीक है, इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो अक्षर है आपको वीडियो में दिखाई ना दे, अगर दिखाई देता हो तो ठीक है, और वीडियो में दिखाई ना देता हो तो आप लोग समझ जाइए कि आपके बुक का नाम है। ठीक है, और ये आपका एस्टिमेटिंग सेकेंड है। ठीक है, थर्ड ईयर वालों का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग होता क्या है, देखिए जो आपके वैद्युत संस्थान होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण स्थापित किए जाते हैं, तो जो आपके उपकरण बनाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसमें आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन वो ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो उन पदार्थों को क्या किया जाता है, या जो आपके उपकरण होते हैं तो जिन उपकरणों के जिन भाग में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उस भाग को हम क्या करते हैं, एक अत्यधिक कंडक्टिव जो वायर होता है उसके द्वारा, यानी कि ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, जिसको मान सकते हैं कि लगभग नगण्य हो, ऐसे वायर के द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं भू संपर्कन, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है इसको अर्थिंग। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं आपको सरल भाषा में, अगर आपको लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे कि देखिए जो आपके वैद्युत उपकरण होते हैं, वैद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन भागों को हम क्या करते हैं, एक नगण्य रेजिस्टेंस वाले अत्यधिक चालक तार के द्वारा भूमि से कनेक्ट कर दिया जाता है, और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, अर्थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये एक बात समझने में दिक्कत आ रही होगी कि हम कह रहे हैं कि उपकरणों के ऐसे भाग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना होता हो, ठीक है, तो कौन से वो भाग होंगे, तो ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये है फ्रिज। ठीक है, फ्रिज का बस ये मतलब एक आयत बनाती है, इसलिए डिनोट करता है कि ये आपका एक फ्रिज है। ठीक है, तो इस फ्रिज के अंदर क्या होता है कि ये सारे मतलब इसके अंदर पूरा इसका जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो अंदर क्या होती है, इसके लगी रहती है, और ये इनके पीछे आपका ये फ्रिज का क्या है, आवरण है। ठीक है, जो मेटल का बना होता है या फिर ऐसे पदार्थ का जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, लेकिन फ्रिज को ऐसा बनाया जाता है कि जो इसकी बॉडी है इसमें करेंट फ्लो न हो। ठीक है, जो फ्रिज की बॉडी है इसमें करेंट फ्लो न हो। ठीक है, लेकिन इसको चूंकि मेटल से बनाया जाता है या मिश्रित धातु से बनाया जाता है, अगर इसमें कहीं से कोई तार संपर्क हो जाता है तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, तो इसी भाग को हम बोलते हैं कि उपकरण का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। ठीक है, तो इसी भाग को हम क्या करते हैं, एक चालक तार के द्वारा, ये मान लीजिए हमारा कोई चालक तार है जिसका जो रेजिस्टेंस है यानी आर जो होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, नगण्य होगा यानी कि बहुत ही कम रखा जाता है, इससे इसका जो आवरण है इसको हम क्या करते हैं, चालक तार के द्वारा पृथ्वी, ये ग्राउंड का चिन्ह है, पृथ्वी से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यही जो पूरी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, अब आपको अर्थिंग समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अर्थिंग है उसका उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के लिए जो है हम अर्थिंग को लगाते हैं,
कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसके लिए हमको अर्थिंग की आवश्यकता पड़ गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है अर्थिंग। और सेकेंड नंबर पे अर्थिंग के उद्देश्य, अर्थिंग के उद्देश्य। चलिए देखते हैं अर्थिंग के उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो आपके वैद्युत उपकरण होते हैं, तो वैद्युत उपकरणों के वह भाग जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी उपकरण का जो खोल होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं या फिर मिश्र धातु के, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इन इन भागों को हम क्या करते हैं, एक नगर रेजिस्टेंस के जो चालक होते हैं उसके द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब भी कोई, अगर कोई आकस्मिक किसी कारणवश अगर इस जो बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो होने लगती है, तो कोई व्यक्ति अगर इसको छुएगा, इसके बॉडी को, तो वो उसको क्या कर देगा, झटका देता है, इसको विद्युत का झटका लग सकता है, जिसके कारण उसका जो मनुष्य की बॉडी है उसको किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है। ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अगर आपका हाई वोल्टेज है, चूंकि ये सारी पावर डिवाइसेस हैं, तो अगर इसमें लाइट बहुत अधिक उतर रही है तो इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, अगर वो ज्यादा देर तक इससे चिपका रहता है तो। ठीक है, तो इसी विद्युत जो उसको झटका लगता है, इसी से बचाव के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है कि हम एक नगर चालक तार के द्वारा इस आवरण को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो, उसका रेजिस्टेंस लगभग 1000 ओम होता है, तो जो करंट होती है वो आपको पता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसी परिपथ के थ्रू फ्लो होती है। तो मनुष्य के शरीर का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 1000 ओम, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और जो हमने अर्थ यहाँ पे बॉडी से क्या कर दिया, अर्थ एक नगर जो रेजिस्टेंस का चालक कनेक्ट कर दिया है, और इसको पृथ्वी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, नगण्य है, तो जो करंट होती है वो मनुष्य के बॉडी से फ्लो ना होकर, मनुष्य का बॉडी भी चूंकि उसमें भी करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है, वो भी सुचालक है क्योंकि उसमें नमी होती है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, लगभग 1000 ओम होता है मनुष्य के बॉडी का रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाने के कारण जो करंट होता है उसकी बॉडी में न फ्लो होकर के वो इस चालक के द्वारा कहाँ चली जाती है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मनुष्य होता है इसमें लाइट आने पर भी, इसको छूने पर उसको लाइट नहीं मारती है, ठीक है, अर्थात वो लाइट से नहीं चिपकता है। तो इसी उद्देश्य से, अर्थात व्यक्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से ही आपका जो अर्थिंग होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग लगाने का मेन उद्देश्य क्या है। अर्थिंग लगाने का मेन उद्देश्य यही है ताकि किसी कारणवश अगर जो हमारे वैद्युत उपकरण है उसमें धारा प्रवाहित न होने वाले भाग में अगर धारा किसी कारणवश प्रवाहित होने लगती है, तो उसे अगर कोई व्यक्ति छूता है तो उसको लाइट न मारे, अर्थात विद्युत से उसकी सुरक्षा हो सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो अर्थिंग है वो उपकरणों में लगाई जाती है। ठीक है, या उपकरणों के को जो है अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपका हो गया अर्थिंग के उद्देश्य। ठीक है, अब चलते हैं कि जो अर्थिंग होता है किन किन आवश्यकताओं के लिए लगाया जाता है। ठीक, कौन कौन सी आवश्यकता होती है जिसके कारण हम अर्थिंग को लगाते हैं। ठीक है, अर्थिंग की आवश्यकता, अब देखिए हम बात करते हैं कि कोई भी वैद्युत संस्थान होता है या फिर कहीं भी हम वायरिंग करते हैं, तो उसमें हमको कुछ ऐसे ही जरूरत, जब हम कार्य करते हैं तो हमारी कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसके कारण हमको अर्थ लगाना आवश्यक पड़ जाता है। तो उन्हीं आवश्यकताओं के बारे में हम देखेंगे कि क्या कारण होता है जिसके कारण हमको, हम अर्थ लगाने पर एकदम से मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए पहला आपका पॉइंट ये है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे उपकरण होता है तो उसमें जब आपका जो उपकरण का पार्ट ऐसा होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थात उपकरण के ऐसे भाग जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन किसी कारणवश उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, तो व्यक्ति उसको छूता है तो उसको लाइट मार देती है। तो उस लाइट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हमको अर्थिंग लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो पहला यही होता है विद्युत उपकरण। ठीक है, यानी कि विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन किसी कारणवश उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, तो उस धारा से व्यक्तियों को छूने से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि उसको लाइट ना मारे, व्यक्ति उसको छूता है उसको लाइट ना मारे,
तो उससे बचाने के लिए क्या कहता है, हमको अर्थ लगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हमारा वैद्युत उपकरण है, अगर उसमें किसी कारणवश विद्युत का क्षरण होने लगता है, यानी कि हम कुछ करंट उसमें फ्लो कर रहे हैं लेकिन हमारा कुछ करंट क्या हो जाती है, बेकार किसी अदर स्थान पे प्रवाहित होने लगती है, उसको हम बोलते हैं धारा का क्षरण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पाइप है और इसमें पानी फ्लो हो रहा है, अगर ये कहीं से इसमें छेद हो जाए तो पानी बाहर निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं पानी क्षरण हो रहा है। इसी तरह करंट भी है, अगर हम उसको किसी सर्किट में प्रवाहित हो रहे हैं और वो किसी कारणवश करंट का कुछ मान कहीं अदर फ्लो होने लगता है, यानी कि करंट का कुछ क्षरण हो रहा है, ठीक है, तो उस करंट क्षरण को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जो वैद्युत उपकरण होते हैं उसमें जो विद्युत धारा का क्षरण होता है उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अर्थिंग लगाना पड़ता है। अर्थिंग लगा देने से क्या होता है कि जो अर्थ वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण उसमें अधिक मतलब करंट का फ्लो अधिक होने लगता है। तो जब करंट का फ्लो अधिक होने लगता है तो जो आप बोर्ड में फ्यूज लगाए रहते हैं वो आपका क्या हो जाता है, गल जाता है। जब आपका फ्यूज गल जाता है तो आपके जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट तो आपके सुरक्षित हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे धारा क्षरण रुक जाता है। कहने का मतलब कि जब फ्यूज गल जाता है तो आपका धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि जो वैद्युत जो धारा है वो प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, धारा का क्षरण कहीं ना कहीं हो रहा है जिसके कारण ये फ्यूज जो है गल गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रभाव को खोजते हैं कि कहाँ से धारा का क्षरण हो रहा है, फिर उसको आप क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है, जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें धारा के क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का उपयोग करते हैं, अर्थात हमको अर्थिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारे वैद्युत उपकरण होते हैं, तो वैद्युत जो उपकरण होते हैं वो उपकरण और पृथ्वी इन दोनों के बीच जो वैद्युत विभव है वो न्यूनतम करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे जब हम वैद्युत उपकरण होता है तो उसके वे भाग जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उन भागों को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उन उपकरणों और अर्थ के बीच का जो विभव होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण यही फायदा होता है कि व्यक्ति को लाइट नहीं मारती है, प्लस जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जो हमारे उपकरण होते हैं वो विद्युत उपकरण और पृथ्वी के बीच विभवांतर को कम करने के लिए, यानी विभव को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अर्थिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि मान लीजिए कि लाइटिंग जो होती है, तड़ित आघात जो होते हैं, अगर कभी तड़ित आघात होता है लाइनों पे तो इससे क्या होता है कि उन लाइनों का जो वोल्टेज हो जाता है वो काफी हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर जब वोल्टेज आपका काफी हाई हो जाता है तो उस समय जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जल जाते हैं। तो उस तड़ित आघात से विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अर्थ लगाना पड़ता है। ठीक है, जब हम अर्थ लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा जो वोल्टेज है, यानी कि जो हाई वोल्टेज जब हाई बढ़ता है करंट भी बढ़ जाती है उस समय, तो वो क्या होता है कि अर्थ के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो आप बड़े बड़े संचरण लाइन देखते होंगे, तो बड़े बड़े जो आपके संचरण लाइनें होती हैं उसके ऊपर सबसे ऊपरी भाग पर आप देखेंगे पतला सा वायर रहता है, तो पतला सा जो वायर होता है वो आपका अर्थ होता है। तो वो अर्थ जो होता है लगाया जाता है तड़ित आघात से उन जो फेज वायर होते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि जब भी तड़ित आघात की घटना घटती है तो जो वो होता है जो वोल्टेज अचानक में बढ़ जाता है वो क्या होता है अर्थ के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ऊपर जो होता है अर्थ लगाया जाता है ताकि जब भी तड़ित आघात हो तो उसका प्रभाव फेजों पर ना पड़े, डायरेक्ट अर्थ पर पड़े, और अर्थ पे जब हाई वोल्टेज होगा तो वो उसको तुरंत क्या कर देगा, नीचे ग्राउंड कर देगा पृथ्वी के अंदर, और जो आपके फेज वायर रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगर अर्थ वायर हम न लगाएं तो तड़ित आघात जो है डायरेक्ट आपके फेज पे प्रभाव डालेगी, यानी कि फेजों का वोल्टेज बढ़ जाएगा,
और जब फेजों का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वो चालक आपके गल जाएंगे, ठीक है, लाइट खंभों में आने लगेगी, जो इंसुलेटर रहते हैं वो चटक जाएंगे, फूट जाएंगे, यानी कि संचरण लाइन को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो सिर्फ संचरण लाइन में ही नहीं, ये जो आपके विद्युत उपकरण जो भवनों में लगाए जाते हैं इसमें भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण आपके वोल्टेज हाई बढ़ जाते हैं। तो हाई वोल्टेज बढ़ जाने से जो आपके उपकरण जलने लगते हैं, तो उस हाई वोल्टेज से भी बचाने के लिए उपकरणों को क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। पांच नंबर पे क्या होता है कि कोई भी जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, तो उन विद्युत उपकरणों को जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं वो सही प्रकार से कार्य करते हैं। तो विद्युत उपकरणों को सही प्रकार से कार्य करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था अर्थिंग की आवश्यकता, अर्थात कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमको अर्थिंग लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अर्थिंग की आवश्यकता के बाद होता है कि जो हमारी अर्थिंग होती है उसके लाभ क्या होते हैं और अर्थिंग जो होती है उसकी हानियां क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अर्थिंग के लाभ, अर्थिंग के लाभ एवं हानियां, अब देखिए अर्थिंग के लाभ। तो पहला तो आप लाभ यही बता सकते हैं कि जो विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग करने से व्यक्ति की जो है सुरक्षा हो जाती है। पहला तो लाभ यही है कि हम व्यक्ति की सुरक्षा, मतलब अर्थ विद्युत उपकरणों में जब हम अर्थ का प्रयोग करते हैं तो जो व्यक्ति होता है उनका विद्युत झटकों से क्या हो जाता है, सुरक्षा हो जाता है। पहला लाभ हो गया। सेकेंड नंबर पे लाभ ये है कि अर्थ का प्रयोग करने से जब भी विद्युत उपकरणों में धारा का क्षरण होता है तो फ्यूज आपके क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, जिससे हमारा धारा का क्षरण जो होता है वो रुक जाता है। ये हमारा सेकेंड लाभ हो गया। थर्ड लाभ क्या है, थर्ड लाभ यह है कि विद्युत उपकरणों के साथ अर्थ का प्रयोग करने से जो विद्युत उपकरण तथा अर्थ है इसके बीच का विभव जो होता है न्यूनतम हो जाता है, जिससे जो उपकरण हो जाते हैं आपके सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चार नंबर पे, चार नंबर पे क्या है कि विद्युत उपकरणों को अर्थ करने से ये हमको फायदा होता है कि जब भी त्वरित आघात होती है, यानी कि अचानक आपका वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका क्या होता है कि अर्थ लगाने से जो अधिवोल्टता होती है, यानी कि बहुत अधिक वोल्टेज जो होता है वो सीधे पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे जो हमारे उपकरण होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, यानी कि जलने से बच जाते हैं। उसके बाद पांच नंबर पे है, अर्थिंग का प्रयोग करने से जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उनका जो संचालन होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, पूरी तरह से, मतलब फ्रिक्वेंटली अगर काम करते हैं, ज्यादा उसमें मतलब जल्दी खराब होने का उसमें खतरा नहीं रहता है। उनकी समझिए कि समय सीमा भी क्या हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है, लेकिन इतना नहीं बढ़ जाती है कि कंपनी जितना लिमिट दी है उससे ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे जब वो जलने वलने से सुरक्षित हो जाते हैं, तो इसका मतलब जब भी किसी प्रकार का खतरा होता है तो उस समय वो बच जाते हैं, यानी कि उस खतरे से समय से वो आगे तक चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये पूरे अर्थिंग के आपके एडवांटेज हो गए, यानी कि अर्थिंग के लाभ हो गए। अब चलते हैं डिसएडवांटेज पे, ठीक है। डिसएडवांटेज, ठीक है, अगर अर्थिंग के लाभ की अपेक्षा हानियों को देखा जाए तो हानियां बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें पहली हानि यह है कि मान लीजिए कोई भी आपका उपकरण है, अगर आप उसमें अर्थ लगा देते हैं और अर्थ लगाने के बाद अगर अर्थ किसी कारण कहीं से टूट जाता है, ठीक है, तो टूट जाने के बाद अगर आप अर्थ को छूते हैं तो आपको विद्युत झटका लग जाता है, ठीक है, पहला हानि है। अगर वही आप अर्थ का प्रयोग न करते तो आपको विद्युत झटका न लगता, लेकिन अगर आप अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये आप अर्थिंग के लाभ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग लगाने को हम निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो अर्थिंग लगाना हमारे लिए जरूरी है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, पहला हानि क्या है कि अगर हम विद्युत उपकरणों के साथ अर्थिंग का उपयोग करते हैं और किसी कारणवश अर्थिंग टूट जाती है,
तो उस अर्थिंग को खुला हो जाता है, जिसके कारण अगर हम उसको छूते हैं तो हमको क्या हो सकता है, विद्युत झटका लग सकता है। ये हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड नंबर पे क्या है कि जो अर्थ होता है उसको कभी भी हम न्यूट्रल वायर की तरह हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। गांव में अक्सर होता है कि लोग अर्थिंग को ही न्यूट्रल बना देते हैं, यानी कि अर्थिंग को ही न्यूट्रल की तरह प्रयोग करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि वो अर्थिंग का प्रयोग तो करते हैं न्यूट्रल की भांति, लेकिन आपके उपकरण सुरक्षित नहीं हो पाते क्योंकि वो एक न्यूट्रल की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तो कभी भी होता है हमको अर्थिंग को न्यूट्रल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो न्यूट्रल वायर होता है उसको न्यूट्रल करें, न्यूट्रल की तरह प्रयोग करें, और जो अर्थिंग होता है उसको सुरक्षा की दृष्टि से लगाएं, ताकि जो अर्थिंग है वो आपकी सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो ये है आपके जो अर्थिंग होती है उसके डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम उपकरणों के साथ अर्थिंग का प्रयोग करते हैं तो अगर किसी कारणवश वायर टूट जाते हैं तो उनको छूने से हमको क्या होता है, लाइट मार देती है। ठीक है, अर्थात विद्युत का झटका लग जाता है, पहला हानि हो गया। और दूसरा हानि ये होता है कि जो हमारी अर्थिंग होती है उसको हमको कभी भी उदासीन तार की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग है हमको न्यूट्रल वायर ही न्यूट्रल वायर की तरह प्रयोग करना चाहिए, और अर्थिंग को सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अर्थिंग को सुरक्षा न्यूट्रल वायर की तरह प्रयोग करेंगे तो वो आपके जो उपकरण और प्लस आपकी विद्युत झटके से सुरक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट क्या है, इसमें एक और लाभ देख लीजिए कि अगर आप अर्थ वायर ऐसा लगाते हैं जिसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी अधिक है, तब भी आपका जो अर्थिंग है वो काम नहीं करता है। अगर अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तब भी आपका जो अर्थ है वो काम नहीं करता है, यानी कि अर्थिंग आप लगाए तो है लेकिन रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण वो अप्रभावी हो जाता है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति छूता है और किसी कारणवश अगर उपकरण के बॉडी में करंट आ रही है तो उस व्यक्ति को लाइट मार देगी। ठीक है, या उसको झटका लग जाए। तो ये आपके हैं अर्थिंग के लाभ एवं हानियां। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके। अब देखिए अप्रभावी अर्थिंग अप्रभावी अर्थिंग के प्रभाव, इसका मतलब यह है कि अगर आपने अर्थिंग लगाया है लेकिन वो अप्रभावी है, मतलब कि अर्थिंग आपका कार्य सही से नहीं कर रहा है, तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, आप जब भी अर्थिंग लगाते हैं और अर्थिंग लगा रहे हैं, लगा तो दिए हैं, लेकिन आपका अर्थिंग अगर अप्रभावी है तो पहला प्रभाव ये हो सकता है कि जो आपका अर्थिंग है वो आपके व्यक्ति की विद्युत झटकों से सुरक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला प्रभाव क्या है कि अगर आपके अर्थिंग अप्रभावी है तो वो व्यक्ति की विद्युत झटकों से सुरक्षा नहीं कर सकता है, यानी कि अगर व्यक्ति उपकरणों को छूता है तो उसको लाइट लग जाएगी, यानी कि लाइट का झटका लग जाएगा। ठीक है, तो पहला तो यही प्रभाव हो गया। सेकेंड नंबर पे प्रभाव ये हो गया कि अगर आपकी अर्थिंग अप्रभावी है तो उस समय अगर विद्युत उपकरणों से धारा का क्षरण हो रहा है तो धारा का क्षरण रुकेगा नहीं, क्योंकि अर्थिंग आपकी अप्रभावी है अर्थात सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है और फ्यूज आपका गलेगा नहीं, तो धारा का क्षरण क्या होगा, हमेशा की तरह होता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा प्रभाव क्या है कि अगर आपकी अर्थिंग अप्रभावी है तो उपकरणों से अगर धारा का क्षरण हो रहा है तो वो जब तक आपकी अर्थिंग प्रभावी नहीं होगी तब तक वो क्या होगा, उसका क्षरण होता ही रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है कि अगर आपकी अर्थिंग अप्रभावी है तो उपकरण और अर्थ के बीच वोल्टेज जो है वो विभव न्यूनतम न होके उनके बीच कुछ अधिक विभव होगा, जिसके कारण आपके उपकरण जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक है, चार नंबर से आपका क्या होता है, चार नंबर पे है कि अगर आपका अर्थिंग अप्रभावी है, ठीक है, अगर आपका अर्थिंग अप्रभावी है और कभी भी अचानक आपका त्वरित आघात होता है या किसी कारणवश अधिवोल्टता स्थापित हो जाती है सर्किट में तो आपके उपकरण जो है वो सीधे जल जाएंगे। ठीक है, आपके उपकरण क्या होंगे, सीधे जल जाएंगे, क्योंकि आपकी अर्थिंग जो है पृथ्वी में वोल्टेज को ग्राउंड नहीं करेगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। तो अब देखिए पांच नंबर पे अप्रभावी अगर आपने अर्थिंग लगाया है तो पांच नंबर पे क्या होगा कि जो आपके उपकरण है
वो आपके सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लस उनकी समय सीमा की भी कोई लिमिट नहीं है कि वो कब तक चलेंगे। तो ये आपके अगर आप अप्रभावी अर्थिंग लगाते हैं तो इतने सारे आपके प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि अर्थिंग आखिर आप लगाते तो हैं, तो अर्थिंग अप्रभावी कैसे हो जाता है। मान लीजिए आपने आज अर्थिंग तो सही लगाया, लेकिन क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण आपके अर्थिंग अप्रभावी हो जाते हैं, अर्थात वो सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। ये देखिए अप्रभावी अर्थिंग के कारण, अप्रभावी अर्थिंग के कारण, देखिए अप्रभावी अर्थिंग के कारण क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से हम गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा अर्थिंग जो होता है अप्रभावी हो जाता है। तो अगर आप इस चीजों को पढ़ते हैं तो कभी भी अगर आप अपने घरों में, गांव के लोग अक्सर होते हैं जिनको अर्थिंग की नॉलेज नहीं होती है, तो अगर आप अर्थ लगा रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए ताकि जो आपकी अर्थिंग है वो प्रभावी हो सके, यानी सही तरीके से कार्य कर सके। तो चलिए पहला देखते हैं कारण क्या होता है। पहला कारण ये होता है कि अगर आप अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के उपयुक्त साइज का अगर आप चालक तार प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, अर्थात अर्थिंग के लिए जिस वायर की आपकी आवश्यकता होती है, जितनी कंडक्टिविटी वायर की आवश्यकता होती है, अगर आप उस कंडक्टिविटी तक के वायर का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जब अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो वो आपकी अर्थिंग क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप अर्थिंग वायर का, आप अर्थिंग वायर का जो माप है वो सही साइज में यूज नहीं करते हैं, अधिक रेजिस्टेंस वाला वायर यूज करते हैं अर्थिंग के लिए, तो वो आपकी अर्थिंग क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो करंट या वोल्टेज को पृथ्वी के अंदर ग्राउंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका क्या प्रभाव है कि अर्थिंग आप जब भी लगाते हैं तो अर्थिंग वायर को, जो अर्थिंग वायर होता है उसको डायरेक्ट हम जमीन में नहीं कनेक्ट करते हैं, बल्कि एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम जमीन के अंदर गड्ढा करके इलेक्ट्रोड को अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर का जो दूसरा सिरा होता है, अर्थ वायर का पहला सिरा तो उपकरण से संयोजित हो जाता है और दूसरा सिरा किससे, उस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप उपयुक्त माप का अगर इलेक्ट्रोड भी यूज नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड भी अगर आप ऐसा यूज करते हैं जो बहुत पुराना हो गया हो या उसकी साइज बहुत बड़ा है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तब भी आपका जो अर्थिंग होता है वो आपका अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे ये है कि आप अर्थिंग लगाने के लिए जो गड्ढा कर रहे हैं, अगर वो गड्ढे की गहराई अधिक नहीं है, अगर जो आप अर्थ लगाने के लिए जो अंदर इलेक्ट्रोड डालते हैं जमीन के, उसके लिए जो गड्ढा खोदते हैं, अगर वो गड्ढे की गहराई अधिक नहीं है, तब भी जो आपकी अर्थिंग है वो क्या हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है, अर्थात सही तरीके से कार्य नहीं करती है। चार नंबर पे आपका पॉइंट ये है कि अर्थिंग आप जहां भी लगाते हैं तो जो अर्थिंग का एरिया होता है वो आपका अगर नमी रहित है, ठीक है, अगर नमी रहित है तो उस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण वो रेजिस्टेंस आपकी अप्रभावी हो जाता है। इसीलिए अर्थिंग में जो है नमी बनाए रखने के लिए पानी की मात्रा डाला जाता है, और प्लस उसमें नमक, सर्फ, कोयला, ये सारी चीजें डाली जाती है ताकि उसमें जो नमी है वो बरकरार रहे, ठीक है। ये आपके हो गए चार पॉइंट, अर्थात अप्रभावी अर्थिंग के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इतने सारे कारण हैं जिसके कारण आपकी जो अर्थिंग है वो अप्रभावी हो सकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अर्थिंग का जो शेष बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जितने भी जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो वीडियो है वो सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है। और अभी मैं कुछ दिनों में जेई के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और रीजनिंग के भी वीडियो आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों के ड्राइंग पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का ड्राइंग का एग्जाम आ रहा है और लड़के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो तो निकाल लेते हैं,
लेकिन अक्सर जो है ड्राइंग उन लोगों को कठिन लगती है और ड्राइंग उनके ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों को इतना पढ़ा दूं कि आप लोग पास हो जाएं, ठीक है? आप लोगों के अंदर से जो ड्राइंग का डर है वो निकल जाए, क्योंकि मैं अभी तक जितने स्टूडेंट्स से मिला हूँ सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि जो ड्राइंग है वो बहुत हार्ड है, ड्राइंग जो है बहुत हार्ड है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को भी ड्राइंग हार्ड लगता है तो लेक्चर देखते रहिए, और मुझे आशा लगता है कि अगर आप लेक्चर देखते रहेंगे तो आपके लिए ड्राइंग आसान हो जाएगी और आप तो इस जो परंपरा चल रही है ड्राइंग बहुत हार्ड है इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ड्राइंग आपकी बहुत सरल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिलहाल चैनल के साथ जुड़ते रहिए।